अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। सो अभी हम आए हैं गोल गुम्बद देखने के लिए, जो कि बीजापुर का बहुत ही फेमस है। तो यहाँ का हम आपको एक ना एक चीज़ बताने जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं। अभी यहाँ पर जाने के लिए एंट्री के लिए टिकट लगता है, तो वही टिकट लेने के लिए समीर गए हैं। तो हम लोग अभी ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, बस हमारे दो सिस्टर्स हैं और हम दोनों हैं। तो अभी देखते हैं, धूप भी काफ़ी है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। क्लाइमेट भी थोड़ा नरम गरम ही हो रहा है। देखते हैं अभी क्या करते हैं। तो आपको दिख रहे होंगे आई थिंक समीर, मैं बताती हूँ उनको। तो ये है जो कि एंट्री का गेट है, यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ पे टिकट काउंटर है। देख सकते हो समीर यहाँ पे टिकट ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक्सेप्टेड हियर। और यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए आई थिंक एक्स्ट्रा चार्ज है, और कैमरा वगैरह लेकर जाना है आपको तो 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और यहाँ पे इसका क्या है, राष्ट्रीय का चयन करें टिकट्स। अच्छा, ये सब इनके इंट्रोडक्शन बताए हैं। ये कुछ अलग है, कैनरा बैंक का है ये। और ये है सामने गोल गुम्बद। तो ये टिकट्स इन्होंने ले लिए हैं। कितने लिए? 4 टिकट। ऐसे आते हैं क्या? पहले अलग आते थे, अभी अलग ही चल रहा टिकट। तो चलिए, फरा ने तो आपको बता दिया होगा एंट्रीज और टिकट का। और ये है पार्किंग, पहले पार्किंग नहीं थी, अभी उन्होंने पार्किंग बहुत अच्छी की है। तो ये तीनों अभी निकल चुके हैं अंदर। और पहली बार मैं बीजापुर देख रहा हूँ, सॉरी बीजापुर तो देख ही रहा हूँ मैं, मतलब गोल गुंबद में देख रहा हूँ कि इतना साइलेंट है, ज़्यादा पब्लिक नहीं, वरना हमेशा यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर चेकिंग होती है, यहाँ पर वो टिकट विकेट चेक करके हमें अंदर छोड़ते हैं। तो यहाँ से देखिए गोल गुम्बद कितना अच्छा लग रहा है। और ये है बीजापुर का सबसे फेमस, यहाँ पे बहुत लोग बाहर बाहर से सिर्फ गोल गुम्बद को देखने आते हैं। अभी तो हमने अंदर एंटर किया है और आगे आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और जो सामने का दिख रहा है वो है म्यूज़ियम, जो कि पहले जो राजा महाराजा यहाँ पर रहते थे। ये गार्डन है, फिलहाल तो अभी यहाँ पर अलाउड नहीं है बैठने का, मतलब बैठ नहीं सकते, मतलब घूम सकते हैं, घूम के तुम पूरा घूम के आओगे तो ऊपर जाते हैं, ऊपर तो बहुत मज़ा आता है। इधर जब ईद रहती है, रमज़ान हो या बकरीद हो, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है। जो गार्डन दिख रहा है अभी खाली है, गार्डन थोड़ा भी स्पेस नहीं रहता है यहाँ पे बैठने के लिए, उतनी पब्लिक रहती है, उतनी फैमिली आती है यहाँ पे घर से टिफिन विफिन लेके बैठने के लिए। और पहले से भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है। अभी फ़िलहाल मैं भी शादी के बाद एक बार फारा को लेके आया था, उसके बाद ही मैं भी अभी आया हूँ। ये साइड भी गार्डन है, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। ये भी कितना अच्छा उन्होंने किया है, पहले से भी बहुत अच्छा उन्होंने किया है अभी। हाँ, लॉकडाउन में तो कोई पब्लिक आई नहीं होंगी तो उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया होगा, फिर भी आज बहुत अच्छा लग रहा है। और क्लाइमेट भी ज़्यादा अच्छा है, मतलब ऐसे धूप ज़्यादा नहीं है। चलिए, यहाँ पे देखिए अभी पब्लिक ऊपर से आई थिंक आई है, क्योंकि बैठने का तो अलाउड नहीं है। और ये सब यहाँ के नहीं है, सभी बाहर के, ज़्यादातर बाहर के लोग आते हैं गोल गुम्बद को। तो यहाँ पे सामने देख रहे हैं तोप भी दिख रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत से लोग फ़ोटो शूट करते हैं। देखिए अभी वहाँ पे कर ही हो रहे फैमिली, यहाँ का फ़ोटो शूट भी बहुत अच्छे आते हैं। हम भी कभी कभी आते थे, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं आता था फ़ोटो शूट के लिए यहाँ पर, मैं कहीं बाहर जाता था। तो फ़िलहाल अभी आए हैं तो करते हैं। ये देखिए, ये जो है सामने, ये है म्यूज़ियम। ये लोग अभी आराम से आ रहे हैं। यहाँ पर भी गार्डन है, और उसके वो साइड भी पीछे गार्डन है, और उधर साइड भी है। तो फिलहाल बहुत बड़ा है ये गोल गुम्बद, फैमिली पिकनिक के लिए तो भी बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये है म्यूज़ियम।
मैं जब बहुत छोटा था तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट करता था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे लगते थे ये तोप के पास में। और आई थिंक आपको अभी इंस्टाग्राम पे भी हमारे फ़ोटोज़ मिलेंगे यहाँ के और मेरे और फारा के। अभी हम थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं, यहाँ पर भी बहुत लोग करते हैं फ़ोटो शूट। ये देखिए यहाँ से अभी कैसे लगता है, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये म्यूज़ियम का यहाँ से एंट्री है, पर हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, पहले हम पीछे जाएंगे क्योंकि हमें ऊपर जाना है, फिर वहाँ से आने के बाद जब रिटर्न जाएंगे तब हम म्यूज़ियम को जाएंगे। हमें वो सबसे पहले ऊपर जाना है, ऊपर बहुत अच्छा, और ऊपर से पूरा बीजापुर मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ से बहुत अच्छा लगता है। और जो म्यूज़ियम का टिकट है वो यहाँ पे है। म्यूज़ियम का टिकट कितना होगा यहाँ पर तो उन्होंने नहीं लिखा है, फिर आने के टाइम देखते हैं कितना होगा इसका टिकट। तो चलिए अभी चलते हैं। तो ये भी एक गार्डन है यहाँ पर भी, सब बैठते हैं यहाँ से देखे बस कैसे लगता है। बीजापुर की शान, बीजापुर की आन ना गोल गुंबद, क्योंकि बहुत फेमस प्लेस है ये बीजापुर का, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। कितने स्टेयर है उसके? हाँ 100 नहीं रे, ज्यादा होंगे पता नहीं, अभी देखेंगे गिनने के टाइम कितने, मैं भी भूल गया, लेकिन 100 के ऊपर ही है। अभी हम सबको 100 स्टेयर चढ़ के ऊपर जाना है। फरा चढ़ोगे ना? फिर भी ज्यादा पब्लिक नहीं, वरना हमेशा कितना रहता है ना। हाँ बहुत रश रहती है। कहाँ पे? तो ये यहाँ से भी चेक करते हैं अंदर जाने के लिए टिकट, क्योंकि ऊपर जाना है हमें। तो यहाँ से भी चेकिंग होके हम निकलते हैं। ओके एक मिनट, वो कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पे सैनिटाइज करना है, यहाँ पे सैनिटाइज करके ही हमें अंदर जाना है। और ये देखिए यहाँ से कैसे लग रहा है गोल गुंबद, वाओ ब्यूटीफुल लग रहा है। फरा यहाँ पे भी रुको, यहाँ पे भी फोटोज लेना है अपने को, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। आवाज गूंज रही ए रुको ना, यहाँ पे यहाँ की ऐसी खासियत है ना, ऊपर गुंबद में हम जाते हैं ना अंदर, अगर एक बार तुम आवाज लगाओगे ना तो 7 बार आपकी आवाज ना अंदर गूंजेगी। अगर तुम एक बार समीर करके चिल्लाओगे ना तो 7 बार वो गूंज के आपके पास ही आएंगे। इधर ही है समीर बोल के।
यहाँ पे अभी हमारे बहुत फोटोशूट हो गए पारा के, मेरे और सभी के। तो चलिए अभी निकलते हैं आगे, ऊपर भी जाना है। ये देखिए ये है स्टेयर, कितने हैं पता नहीं, आई थिंक उनको पूछना चाहिए था मुझे, आई थिंक 100 के ऊपर ही है अभी ये पूरे। हमें चढ़ के ऊपर जाना है, ऊपर से जो व्यू आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ से एंट्रेंस से अंदर जाने का, तो चलिए जाते हैं ऊपर। जाने के लिए हमने चप्पल शूज़ वगैरह जो भी होगा यहीं पे छोड़ के जाना है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो सभी यहीं पे छोड़ते हैं। यहाँ पे वहाँ पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं, तो फिलहाल तो हम भी इसमें रख रहे हैं। चलिए चलो, रखा आपने फॉरम, कैसे लग रहा है आपको गोल गुमज में आके? इससे पहले भी आए हो लेकिन ऊपर नहीं गए ना आप? अच्छा ठीक है चलो। मैं निकालती हूँ अभी, तो चलिए अभी चलते हैं हम अंदर। क्या यहाँ पे ना, तो यहाँ पर भी फोटो शूट करते हैं। हाँ तो हम अभी आ गए हैं अंदर, अभी आवाज देख सकते हैं लोग ऊपर से कितना चिल्ला रहे हैं। तो देखिए लोग कितना चिल्ला रहे, क्योंकि उनकी आवाज़ जो है ना वो गूंज रही है। और ये जो मज़ार है ये आदिल शाह का है, जो कि यहाँ का जो महाराज राजा था महाराज, तो उनकी मज़ार है ये सब। ऊपर देखिए ऐसा है, ये ऊपर पूरा गुंबद है, ऐसे पूरा राउंड घूम सकते हैं। वहाँ से अगर हम एक भी आवाज़ लगाएंगे ना तो 7 बार हमारी आवाज़ गूंजती है फरा। चलो अभी यहाँ से जाना है अंदर अपने को। चल ऐसे लग रहा है ना ये, जैसे पुलिस में वो कैद करते, पूरा वैसे है ना ये, जेल के जैसा ही है। क्या यहाँ थोड़ी रहते थे वो? अब राजा थे बीजापुर के। कुछ भी हा? राजा का खानदान सारा आपने तो बताए थे मुझे। हाँ इधर ही रहते थे हम, इधर ही हमारा खाना पीना सब होता था। ये हमारे को ये रूम दे दिए थे उन्होंने। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा है। हाँ ये मेरी ही रूम है। हाँ ऐसे ही, ये बैक साइड है और ये जहाँ से अभी हम आए हैं यहाँ से एंटर। अब ये पहला स्टेयर है, अभी ऐसे कितने 7-8 अपने को ऊपर जाना है। तो चले अभी चलते, नहीं दिख रहा है यहाँ से वैसे भी, देखे कितने बड़े बड़े स्टेप है ये। ऊपर जाने तक लोग पूरे थक जाते हैं, फरा का तो पता नहीं, फरा भी एक स्टेप इतना ऊपर अपने को पैर रखना पड़ता है यहाँ से। और अभी ये आ गए हम सेकंड फ्लोर पे। नहीं जी फर्स्ट नहीं, ये सेकंड है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, नीचे का ग्राउंड था आपका रूम। अच्छा ये किसका रूम था? ये मैंने सोचा था आपके लिए, मैंने सेकंड ऊपर आने तक ये आपके लिए अच्छा होगा करके, ये रूम मेरा है। हाँ तो अभी हम आए हैं, अभी थर्ड स्टेप पे चल रही है। देखिए फरा अभी जा रहे हैं ऊपर। हाँ मैं को कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन पैर वगैरह दर्द। अभी नहीं होगा, अभी चलो ना, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए फरा। समय दोनों भी थक गए, अभी थक के दोनों भी बैठे हैं, क्योंकि अभी आए हैं हम। कितने थर्ड फ्लोर है ना? फोर्थ फ्लोर। अभी कितने? अभी 3 फ्लोर बाकी है, अभी 4th फ्लोर तो हम चढ़ के आ गए। थक गए वो वहाँ पे बैठे, हम यहाँ पे बैठे, थोड़ा आराम लेंगे। हाँ, चढ़ने के टाइम कुछ नहीं, उतरने के टाइम कुछ नहीं होता, लेकिन जब चढ़ने का ना तो थक जाता है इंसान। उतरने को कैसे फास्ट फास्ट एनर्जी उतनी नहीं लगती है जितना चढ़ने के लिए बहुत लगती है। चलिए अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, फिर ऊपर और जाते हैं। ऊपर थोड़ा और अच्छा है ना? क्या खुला रखने मांगता तो नहीं रे। आ गए अभी हम, अभी 3 फ्लोर बचा है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे अभी बैठ गए हैं पर 2 फ्लोर बचे होंगे यहाँ से, 2 ही है। हाँ नहीं नहीं, इसके ऊपर एक है फिर उसके बाद एक है। वो आ गए यहाँ से, दिख रहा है पूरा ऊपर आ गए। तो देखिए अभी यहाँ से ही बीजापुर दिखना स्टार्ट हो गया। ये साइड स्टेशन है, क्योंकि ये बैक साइड है तो स्टेशन यहीं पे है।
तो फाइनली अभी हम ऊपर चढ़ गए हैं, बहुत थक थक के, बहुत हर जगह स्टेप पे बैठ बैठ के आ गए हैं। ये देखिए स्टेप कैसे रहते हैं, कितने ऊंचे रहते हैं, तो कोई भी थक सकता है। यहाँ से आ गए अभी, चलिए हाँ। फिर अगर आप आपको ऐसे छोड़ूंगा ना तो आप कहाँ पे निकलेंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। ट्रेन का भी आवाज आ रहा है, मैंने बोला था ना स्टेशन यहीं पे है। आई थिंक ऊपर से दिखाऊंगा मैं, यहाँ से नहीं दिखेंगे स्टेशन। फरा जाना है पुणे को, यहाँ से जाना तो है। तो ये फाइनली अभी हम ऊपर आ गए हैं। यहाँ से देखिए गुंबस कैसे दिखता है, कितना ऊंचा है ना। हाँ अंदर जाने का यहाँ से ही, हाँ ऐसा उतना तो कुछ ये नहीं। तो चलिए अभी हम आपको यहाँ से एक बार बीजापुर दिखाता हूँ। वो जो वहाँ पे रोड दिख रही है वो मेन रोड है, और स्टेशन स्टेशन यहाँ से नहीं दिखेगा, वहाँ पे है। जूम करता हूँ, ये जो जूम करा मैं, यहाँ पे जो मस्जिद दिख रही है वो स्टेशन ही है। हाँ मजबूत कितना ना, ये येलो पत्र है ना। कौन से येलो पत्र किधर दिख रहे हैं वहाँ पे आपको, वो दिख रहा है क्या वहाँ पे? हाँ ब्लू वाला वही है। हाँ तो यहाँ से देखिए अभी नीचे हम जो आए हैं वो इतने दूर है, यहाँ से कितने दूर लग रहा है ना। और यहाँ से हमारा घर भी दिखता, मतलब घर नहीं दिखता, जो घर के पास एक मस्जिद है जो कि बहुत ऊंचे में है वो दिखती है, लेकिन मैं अभी कैमरे में जूम करके दिखाऊंगा तो भी नहीं दिखेंगी वो। तो यहाँ से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और ऊपर से अरे नहीं गिराऊंगा यहाँ पे मैं, चलो हाँ मैं ट्राई कर रही ना। 1 2 इतना चढ़ने को इतना तुम ऐसा कर रहे हो, अगली बार पतली हो क्या होगी सब करके बैठूंगी। चलो अभी जाएंगे, तो चलिए अभी चलते हैं अंदर, अंदर जाते हैं। ये आ गए हम अंदर, देखिए यहाँ पे ऐसा रहता है पूरा, वहाँ से पूरा राउंड। अगर एक बार मैं यहाँ से आवाज लगाऊँ ना फरा को, मेरी आवाज देखे कैसी गूंजती है। फरा फरा देखिए कैसे आवाज गूंज रही है हमारी। चलो अब यहाँ से एक बार मैं ये दिखाता हूँ आपको, ज्यादा आगे फरा ज्यादा आगे मत जाओ। आ गया, मैं इतना स्लो बात कर रहा था, आप मेरे को इतनी चिल्ला के बात कर रहे हो क्या? पीछे हटो नहीं। देखिए यहाँ से गुंबज कैसा है, कितना ऊपर लगता है ना यहाँ से। वो जो गेट है हम वहाँ से आए हैं, हाँ वहाँ से नहीं 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 इधर है वो गेट, अपने को जाने के टाइम वहाँ से आना है अभी। तो चलिए अभी एक राउंड मारते हैं। ये देखिए फरा कैसे आवाज निकाल रही है। चलिए अभी चलते हैं हम आगे पूरा ऐसे। कौन रे, मेरा नाम कौन पूछा? नीचे से आए ना आवाज। चला उधर जाएंगे आगे। क्या कर रहे हो समीर? हाँ बोल। ए चुप ना, किसके चिल्लाया किसके? समीर वापस से चिल्ला पड़ा। देखो ना उसको एक भी सपोर्ट नहीं है, जो पहले के जो राजा महाराज थे ना, तो उस टाइम का जाए आदिल शाह डायनेस्टी का, तब से बनाए ले उन्होंने, ऐसे ही ठहरा है अभी तक, इसको एक भी स्क्रैच नहीं आया। मालूम क्या, थोड़ा भी सपोर्ट दिख रहा है क्या आपको?
कैसे रुकाऊंगा इतना बड़ा गुंबज। चलिए अभी निकलते हैं हम यहाँ से बाहर, क्योंकि बहुत धूम है, क्योंकि फरा बहुत चिल्ला पुकार कर रहे हैं यहाँ पे। फरा चलो क्या चलो ना बस। हाँ ठुकरा गया क्या उल्टी हो रही इसको चलो ये बाहर चलो चले बहुत मस्ती करके आ गए अभी बाहर ये देखो ये लोग फिर से अंदर चले गए, फिर आ गए करके। फरा को अंदर बहुत मजा आ रहा है, वो वापस से चिल्ला पुकार करने के लिए चले गए। वो जो भी बुला रहे ना उसके अपोजिट कोई उनको आवाज लगा रहा है तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आ गए वापस ये भी, फिर क्या हो गया। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, बहुत अच्छी हवा आ रही है और फरा के आग से पानी बहुत आ रहा है हवा, क्योंकि बहुत ऊपर है ना। और फरा मेरे को कब से बोल रहा है कि ऊपर जाके आओ, ऊपर जाके आओ, हलवा है क्या ऊपर जाने के लिए, और बोल रहे मेरे को ऊपर जाके वो जो बीच दिख रहा है ना वहाँ से सीधा नीचे उतर के आओ। मतलब वो घर पे नहीं आओ है ना डायरेक्टली, आप बोल रहे हो घर पे मत। ड्राइवर भी कितना अच्छा हो गया ना, धूप चली गई एकदम हवा आ रही है। यहाँ पे बहुत बैठते ना इसे नहीं रे, जो पकड़ेंगे वो सीधा नीचे चला जाएगा, तो कौन पकड़ेगा ऐसे ऊपर से। तो चलिए अभी यहाँ से कब से हम आए हैं यहीं पे बैठे, तो यहाँ से अभी थोड़ा राउंड घूमते हैं। यहाँ से सिंगल पर्सन ही चल सकता है। तेरे को रब मिले यहाँ सब। अरे हम वापस घूम के वही एंट्री के पास ही आ गए, फिर ऐसे अपने को इधर जाना पड़ेगा। चलो आ जाओ घूमते हैं। ये पूरा बैक साइड है, हाँ यहीं से तो स्टार्ट किए थे। चलो अब यहाँ पे जाते हैं ये साइड में, आ जाओ। चले वो लोग पीछे रुके हैं, हम जाते हैं आगे। कैसा है यहाँ से भी एक एंट्री है ना, नहीं एग्जिट है यहाँ से, वहाँ सामने से एंट्री है। तो अभी हम आए हैं वहाँ से, तो एक बार मैं यहाँ से भी एक बार आपको क्लियर दिखा दूँगा। ये देखिए अच्छा लगता है। और अभी हम आए हैं वहाँ से, और अभी हमें नीचे जाना होगा तो यहाँ पे है वो सामने दिख रहा है ना, ये यहाँ से एग्जिट है, तो यहाँ से हमें नीचे उतरना है। नीचे उतरने के टाइम हमें उतना कुछ तकलीफ़ नहीं होंगी, क्योंकि जब ऊपर चढ़ते हैं ना, ऊपर चढ़ने अगर फर्स्ट टाइम चढ़ रहे हैं तो पैर दुखते हैं, रुक रुक के ही अपने को ऊपर चढ़ना पड़ता है, ऐसा कंटिन्यू हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। वापस से धूप आ गई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ से है जाने के लिए एग्जिट, ये देखिए कितना छोटा सा जगह है ये, मतलब एक लोग ही जा सकते हैं एक टाइम में, इतना छोटा है। अभी फ़िलहाल तो हम जा नहीं रहे हैं, अभी ये रुके हैं यहाँ पे। एक बार यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, देखेंगे लेकिन रुक मैं दिखाता देखो किधर है। कौन सा छोटा गुम्बद, ये साइड में फरा पीछे वो सब मस्जिद है, जो सामने का है ना मस्जिद वैसे ही पूरी है वो। और मैं तो रुक तो दिखाता हूँ आसार भी किधर है, यहाँ दिखेगा आसार तुझे सीधा, थोड़ा जूम कर। हाँ अभी मेरे सीधा मेरे उंगली के वहाँ पे देखे येलो कलर की एक दिख रहा होगा, वो आसार है, उसके पीछे एक मस्जिद है, उसके पीछे हमारा घर है, बट उतना क्लियर तो नहीं दिखेगा यहाँ से। हाँ दिख रही ना यहाँ से सीधा, तो यहाँ से भी कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं, हो गए अभी बस, बहुत इंजॉय किया हमने ऊपर। अंदर तो इन लोगों ने बहुत चिल्ला पुकार किया, लोगों को आवाज़ लगा रहे सता रहे थे। तो चलिए अभी जाते हैं।
उतरने के टाइम ऐसे स्टे रहते हैं, देख के बहुत आराम से उतरना चाहिए यहाँ से, क्योंकि कभी कभी ये लग भी सकता है। हाँ ना, बट उतरने के टाइम इतना कुछ नहीं लगता है ना जितना चढ़ने के टाइम होता है। तो ये आ गए हैं हम दूसरे स्टेप पे। तो अभी हम आ गए हैं नीचे, ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। देखिए कितनी जल्दी हम नीचे आ गए, उतरने के टाइम कुछ नहीं लगता है, बट फरा को हमारे उतरने के टाइम प्रॉब्लम हो रहा था, चढ़ने के टाइम इनको अच्छा लग रहा था। फरा जो ये जिसका है ना आदिल शाह का, ये उसकी मजा रहा है। हाँ, ये सब उन्हीं के हैं, और जो बड़ी है ना वो आदिल शाह जिसने ये बनाया है, महल बनाया है ये गोल गुंबज। और यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कॉइन फेंकते हैं अंदर, पता है आपको? देखो ना अंदर कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से। क्या ये दिख रहा है क्या? नीचे जमीन ही थी। चलो जमीन में ऐसा ही है, मतलब पहले के जो कैदी रहते थे ना तो उनको कैद करते थे क्या? और एक कैद खाना है, कैदी को यहाँ पे अंदर कैद करते थे। हाँ? कैदी लोग भी यहाँ से देखते थे, एंजॉय करते थे। ये कॉइन भी है, हाँ है ना, ऐसे दिख रहा है, चमक रहा है ना, क्या कॉइन ही है। अभी भी ऊपर आवाज कर रहे हैं लोग। अभी भी आवाज आ रहा है। तो वहां से एग्जिट है, तो वहां से ऐसे राउंड घूम के हमें यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि जो मेन डोर है अंदर आने का वो एक ही है, बट एग्जिट के दो है। ये यहाँ से हम ऊपर जाते हैं और वो बैक साइड से हम नीचे आते हैं। ये आ गए हम अभी सामने, तो चलिए अभी जाते हैं बाहर। तो अभी हम आ गए हैं बाहर, ये देखे बाहर आने तक सभी पब्लिक खत्म। हाँ, सभी चले गए तक। हाँ, कोई भी नहीं है, सब आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ही है। यहाँ पे नीचे तो गार्डन में वैसे अलाउड नहीं है बैठने का। तो चलिए देखते हैं हमारे शूज़ वगैरह कहाँ पे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, शूज़ वगैरह सब ले लिए। इतना एक घंटे का 20 रुपीज़ है। तो कितने लोग रुके थे? हम 4 लोग ने रखा था, तो उनके लिए 20 रुपीज़ था। तो यहाँ से देखिए अभी आ गए हम ऊपर से। ऊपर से कितने छोटे लगते थे, देखे लो वहाँ पे है, वो आ रहे हैं। तब तक मैं यहाँ पे छाँव में रुकता हूँ।